रामदेव की सहयोगी राजबाला का अंतिम संस्कार उनके गांव में कर दिया गया। राजबाला के अंतिम संस्कार में बाबा रामदेव अपने सहयोगी बाल कृष्ण के साथ मौजूद थे, लेकिन रामदेव के अलावा कई और नेता भी राजबाला के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जिनमें बीजेपी की सुषमा स्वराज और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी थे। राजबाला दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई पुलिसिया कार्रवाई के दौरान घायल हो गई थी, जिसके बाद 3 महीनों तक दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में मौत से लड़ती रहीं। राजबाला के इलाज का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार ने उठाया, लेकिन उस दरमियान बाबा रामदेव और सुषमा स्वराज सिर्फ एक बार राजबाला से मिलने अस्पताल पहुंचे। सवाल यह है कि जब 3 महीने राजबाला अस्पताल में रही तो सिर्फ एक बार सुषमा स्वराज और रामदेव उनसे मिलने आए, तो मरने के बाद अचानक उनके लिए प्रेम कैसे उमड़ गया? क्या यह माना जाए कि अब राजबाला के जरिए बाबा रामदेव और बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, जो उनके बयानों से भी जाहिर होता है? इसके पीछे असली गुनहगार केंद्र सरकार है, असली गुनहगार गृह मंत्रालय है। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हत्या की गई है, इसलिए जो हमारे एडवोकेट हैं श्री राम जेठमलानी साहब, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा स्वामी जी इनके ऊपर हत्या के मुकदमे तो होंगे ही। सामान्य कारणों से होती है तो सबर आ जाता है। अगर मृत्यु किसी दुर्घटना में असमय होती है तो भी उसे ईश्वर का विधान मानकर मन देर सवेर उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन ये मृत्यु नहीं हत्या है। मरे हुए लोगों पर सियासत करना ठीक नहीं। आई सजेस्ट दैट भारतीय जनता पार्टी एंड सुषमा स्वराज जी शुड नॉट पॉलिटिसाइज दिस इशू, दे शुड नॉट ट्राई टू टेक पॉलिटिकल एडवांटेज ऑफ दिस। मरे हुए लोगों पर, जो लोग इस दुनिया से चले गए, उन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये ठीक है कि रामलीला मैदान में जो हुआ उसको किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। राजबाला को हर कीमत पर इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन राजबाला की मौत के बाद जो सियासत की जा रही है उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता।